जी चलिए चलिए, अब शुरुआत करते हैं कमोडिटी मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ, और अगले 10 मिनट हम आपको अपडेट देंगे कि किस तरह की हलचल नजर आ रही है और आज आपको रणनीति कैसे बनानी है कमोडिटी मार्केट में, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एग्री मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरों के साथ। जीरा 23,200 के पास, खरीदारी का रुझान यहाँ पर कायम है। धनिया 7,400 के पास है और यहाँ पर दायरे में कारोबार हो रहा है। हल्दी में अगर देखेंगे तो 19,200 के करीब खरीदारी का रुख है, बरकरार है हल्दी में। ग्वार गम 11,000 रुपए के करीब और ऊपरी स्तरों से बिकवाली हावी है यहाँ पर भी, और ग्वार सीड में भी हम देख रहे हैं कि मुनाफा वसूली का दबाव पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। आज भी 5,500 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। कैस्टर की बात करेंगे तो 5,600 रुपए के पास है, ऊपरी स्तरों से बिकवाली है यहाँ पर। इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल 860 रुपए के करीब, बिकवाली का रुख यहाँ पर भी कायम है। कपास की बात करेंगे तो 1600 रुपए के नीचे कपास ट्रेड कर रहा है, कम आवक से बिकवाली का दबाव है यहाँ पर। कपास खली 2550 रुपए के करीब बिकवाली हावी है और मेंथा ऑयल 930 रुपए के करीब है, निचले स्तरों से खरीदारी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो ये हैं एग्री कमोडिटी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें, अभी हमने आपको बताया, इन पर एक एक करके चर्चा करेंगे। हमारे साथ कमोडिटी मार्केट पर अपनी खास रणनीति देने के लिए टेक्निकल आईक्यू के अखिलेश जैन मौजूद हैं। अखिलेश जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो एग्री मार्केट से शुरुआत करें तो पहले जीरे पर अपनी राय दीजिए, कैसे ट्रीट करें आज वहां पर। थैंक यू पूजा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो हैविंग मी। जीरा और जो अदर स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स है राइट नाउ अभी थोड़ा सा सबड्यूड लग रहा है, डाइसी सा लग रहा है। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है जीरे का अभी भी कहीं ना कहीं वीक बना हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि निचले स्तरों पर यहाँ पे बार बार बाइंग के मौके मिलते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि कोई भी अगर करेक्शन आता है जीरा के अंदर तो वो एक खरीद का रणनीति रखना चाहिए। 21,200-21,300 के यहाँ पे स्टॉप लॉस ध्यान में रखिए, हालांकि स्टॉप लॉस नीचे है बट यहाँ पे कोई भी करेक्शन आता है 500-700 पॉइंट्स का तो लेके ही काम करें इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मुझे लगता है ग्रेजुअली ये जो भाव है 26,000 के आसपास तक हिट होने चाहिए, हालांकि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो 21,000 से 26,000 की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो मोटा मोटा जो जीरा है मुझे लगता है 15 मई के आसपास इस रेंज के अंदर ट्रेड करना चाहिए, बट ड्यू टू रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मुझे लगता है कि निचले स्तर पर बाय फेवरेबल रहेगा, तो नीचे स्तरों पर आप जीरा को एक्युमुलेट करके काम करें। जी ठीक है, तो जीरे को एक्यूमुलेट करने की सलाह यहाँ पर इन स्तरों पर। धनिया की बात करें तो आज वहाँ पर अगर दायरे में कारोबार हो रहा है, धनिया में मई वायदा 7,400 रुपए के आसपास यहाँ पर कारोबार हो रहा है। अगर धनिया की बात करेंगे तो क्या व्यू बन रहा है आपका धनिया पर? देखिए जैसे मैं पिछले शोज पे भी कहते आ रहा हूँ कि जो धनिया का ट्रेड है अभी नो मैन्स लैंड जैसा ट्रेड है, यहाँ पर कोई भी बड़ा क्लू नहीं दिख रहा है इधर टेक्निकल्स पे और फंडामेंटल्स पे। नेक्स्ट वायदे की बात कर रहा हूँ मैं, एग्री कमोडिटीज के अंदर जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट से कर रहा हूँ, तो जो जून स्पेसिफिक वायदा है मुझे लग रहा है कि 73 से 79 के रेंज में ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक रेंज ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, वेट एंड वॉच करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अभी कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं है धनिया को लेकर। जी ठीक है, तो धनिया को लेकर अभी फिलहाल कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसको चाहे तो आप अवॉइड कर सकते हैं। हल्दी में आज हम खरीदारी देख रहे हैं, जून वायदा में भाव इस वक्त 9,200 रुपए के पास इस वक्त कारोबार हो रहा है। आज जो ओपन हुआ था 19,400 के आसपास हुआ था, अभी फिलहाल 19,200 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी है और इंडस्ट्रियल मांग बढ़ने से भी कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। टर्मरिक पर क्या सलाह देंगे आप अखिलेश जी, कैसे ट्रेड करें? देखिए टर्मरिक का जो ट्रेड है वो काफी टाइम से एक रेंज मार्केट चल रहा है, बट इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा बुलिश लग रहा है, फंडामेंटल्स में भी काफी स्ट्रांग लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हल्दी में आप रणनीति बता सकते हैं अगस्त वायदे के अंदर इसके अंदर ट्रेड करें। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर कोई करेक्शन आता है अप टू 17,700-18,000 तक तो दैट्स काइंड ऑफ बोनस या जैकपॉट आप समझिए, वहां पर इस वायदे को लेना चाहिए। या फिर उससे पहले अगर ये कॉन्ट्रैक्ट 19,800-850 के ऊपर मेंटेन करता है तो वहां पे भी अपनी क्वांटिटीज को बिल्डअप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जल्दी इस कॉन्ट्रैक्ट के भाव है वो 22,000 के आसपास देखने को मिलने चाहिए, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति सकते हैं हल्दी के अंदर। जी ठीक है, तो हल्दी के अंदर अब आगे भी अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो आप तेजी करके चल सकते हैं यहाँ पर।
ग्वार में हम मुनाफा वसूली देख रहे हैं और पिछले काफी समय से अखिलेश जी हम देख रहे हैं कि ग्वार में दबाव बना हुआ है। ग्वार सीड की अगर बात करेंगे तो वायदा 5,500 रुपए के आसपास ही बरकरार है काफी समय से, और ग्वागम वायदा में भी एक रेंज में कारोबार हो रहा है, 11,000 रुपए के करीब यहाँ पर भी है। ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। ग्वागम की बात करें तो वहां पर भी एक्सपोर्ट मांग के मजबूती की बात की जा रही है, आवक बढ़ने से भी कीमतों पर दबाव है। ग्वागम और ग्वार सीड में क्या ये करेक्शन और आगे जारी रह सकता है? देखिए, स्पेसिफिकली जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है, हालांकि फंडामेंटल्स पे इतना स्ट्रांग भी नहीं लग रहा, बट जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं अभी मंदी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। छोटा मोटा पुल बैक अभी लग रहा है इस कमोडिटी में देखने को मिल सकता है, बट मुझे लगता है कि जून स्पेसिफिक अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो गंवार सीट के अंदर 5,675 एक बैरियर लग रहा है जिसके ऊपर अब गंवार नहीं जाता, तो यहाँ पर हर उछाले पर गंवार सीट को बेचने का रिकमेंडेशन है। मुझे लगता है यहाँ पे एक डीप करेक्शंस भी एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। राइट नाउ अगर जो भाव चल रहा है वहां से 50-60 पॉइंट ऊपर आप गवार सीड को बेचकर काम करें, 5,675 का आप स्टॉप लॉस में मेंटेन करें, मुझे लगता है जल्दी भाव 5,450 और 5,200 तक की टेरिटरी में भी देखने को मिलने चाहिए। तो मुझे एक अच्छी खासी सेलिंग लग रही है 5,675 के लेवल्स के नीचे। वहीं गवार गम अब मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि 10,000-4,500 के ऊपर जब तक मेंटेन नहीं रहता जून वायदा, तो यहाँ पे भी आप सेल करके काम कर सकते हैं। मुझे इन इनके भाव में भी अच्छी एक प्रेशर देखने को मिल लग सकता है, और मुझे लग रहा है कि 10,500 से लेकर 10,100-200 तक भी इसके भाव देखने को मिल सकते हैं। तो लेवल स्पेसिफिक ध्यान रखिए 5,675 गंवार सीट और 11,475। जब तक ये लेवल ब्रिच नहीं होते तब तक हर उछाला एक बार बेचने का है दवा कॉम्प्लेक्स के अंदर। जी ठीक है, चलिए ये तो बात हुई एग्री कमोडिटीज की। कुछ एनर्जी स्पेस और ऑयल स्पेस पर भी बात कर लेते हैं। अखिलेश जी, आज हम मेंथा ऑयल में काफी अच्छी शुरुआत देख रहे हैं, 1% से ज्यादा की तेजी, 930 रुपए के पास कारोबार कर रहा है मेंथा ऑयल। क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पर? माफी चाहूंगा, ड्यू टू यू नो लो लिक्विडिटी मैं मैंथा ऑयल को ट्रैक नहीं करता हूँ, तो इसके ऊपर मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे पाऊंगा। ऑलराइट, चलिए कुछ और नॉन एग्री स्पेस की बात करें तो नेचुरल गैस ऊपर है 0.5%, और सोने चांदी की शुरुआत भी अच्छी हुई है। मेटल स्पेस में भी हम अच्छी तेजी देख रहे हैं, नेचुरल गैस पर सलाह दीजिए। अखिलेश जी, अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप? नेचुरल गैस काफी ज्यादा साइडवेज लग रहा है मुझे मार्केट, हालांकि बिल्कुल अभी सपोर्ट लेवल के आसपास है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन रहेगा कि जो ट्रेडर है वो 160 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें एंड इसको बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 176-177 तक वापस से देखने को मिलना चाहिए, बट स्पेसिफिक स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, 160 के नीचे का स्टॉप लॉस प्लेस करें आप। जी और सोने चांदी की चाल आप यहाँ से कैसे देख रहे हैं? अब फेड का फैसला भी आ चुका है और अब ब्याज दरों में कटौती की बात तो फिलहाल नहीं हो रही है, और पता नहीं उस पर फैसला आगे कब हो, लेकिन फिलहाल अभी किसी तरह की चर्चा या संभावना नहीं जताई जा रही है फेड की तरफ से, तो अब क्या यहाँ पर सोने और चांदी में तेजी करके चले? देखिए, सोना और चांदी काफी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देगा ऐसा लग रहा है, हालांकि जिस हिसाब से सोना स्पेसिफिकली टॉप आउट हुआ था तो वहां से मुझे लग रहा था कि करेक्शन आके भाव वापस से 2,235-2,240 के रेंज में आने चाहिए, बट हमने 2,300 के आसपास से कहीं पे यहाँ पे एक बार 2,285 के आसपास से बॉटम बनता देखा। मुझे स्टिल लगता है कि फॉलोड बाय यू नो नॉन फॉर्म पेरोल नंबर्स और एम्प्लॉयमेंट के जो डेटा है आने वाले दिनों में, आज और कल, तो ये बहुत ज्यादा क्रूशियल डेटा रहेंगे। और अगर लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 71,400-4,250 गोल्ड के अंदर और कॉमेक्स के अंदर 2,335 ये ऊपर क्रूशियल रेजिस्टेंस है, तो अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहाँ से 150 से 200 पॉइंट अगर गोल्ड तेज होता है अप्रोक्सीमेट 71,350-300 के आसपास, तो वहां पर एक बार गोल्ड को शॉर्ट करना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस इंटरडे के लिए आप 71,425 का लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर ये भाव क्लोज नहीं करते ऊपर तो मुझे अभी भी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो डाउनसाइड लग रहा है, और अगर वॉयलेट नहीं करते 2,335-2,336 के लेवल, तो मुझे लगता है कि वापस से जो एक बार लक्ष्य लग रहा है कि जो भाव है 2,235-2,340 के आसपास या एमसीएक्स में 69,500 के आसपास तक देखने को मिलने चाहिए, तो यहाँ पर सेल ऑन राइस का रिकमेंडेशन है गोल्ड के अंदर। सेल ऑन राइस का रिकमेंडेशन मिल रहा है गोल्ड और सिल्वर में, और काफ़ी सारे एक्सपर्ट यही सुझाव दे के चल रहे हैं कि सुबह भी जब हमने बात की थी तो गोल्ड सिल्वर में यहाँ पर सेल ऑन राइस की रणनीति अपनाने की सलाह है। कच्चे तेल पर सलाह दीजिए अखिलेश जी, आज 0.5% ऊपर है स्टॉक, कैसे ट्रेड लें क्रूड में? देखिए, इसको वेट एंड वॉच करना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में, इसमें अब तभी बाय करना चाहिए जब भाव वापस से $80 के ऊपर या यहाँ पर 6,700 के ऊपर आए, तो अगर आपको इसमें ट्रेड लेना है तो वेट करें।
अगर 6700 के ऊपर बाजार जाता है तो इसको बाय कर सकते हैं आप। 6650 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली भाव मुझे लगता है कि 6950 के ऊपर जाना चाहिए, बट ये एक कंडीशनल व्यू है। अगर 67 के ऊपर जाएगा तो ही इसमें आप बाय इनिशिएट करिए विद स्टॉप लॉस फॉर 6950 के टारगेट के लिए। ओके ठीक है, तो ये है सलाह क्रूड पर। चलिए अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आपका और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय भी देने के लिए। तो फिलहाल कमोडिटी 10 मिनट में इतना ही, आगे विस्तार से